So hello and welcome people, this is your anchor Anjaneya Sro and you are watching me Starlet Entertainment and I am back here again with another interesting update from the world of television. खबर है रीम शेख को लेके, जिनको आपने देखा था तेरे इश्क में घायल कलर्स का, ये एक लिमिटेड एपिसोड्स का जो सीरीज़ रही है, काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है इसको लोगों ने और 365 डेज़ के ऊपर कॉन्सेप्ट था इस पूरी के पूरे शो का, तो उसके वजह से भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी खासी इंगेजमेंट देखने को मिली थी लोगों की तरफ से इस शो के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल रीम शेख को लेकर खबर ये है कि बहुत ही जल्द दिखाई देने वाली हैं सोनी टीवी के एक आने वाले शो में। द लीगल केस करके शो का नाम होने वाला है। शो की स्टोरी जो है वो दो बहनों के ऊपर इन्वॉल्व होने वाली है और उनके साथ होने वाले इंसिडेंट्स के ऊपर। तो लीगल केस में आपको रीम शेख तो दिखाई देंगी, लेकिन उनके अलावा आपको साथ में देखने को मिलेंगी जेनिफर विंगजेट और साथ में करण वाही। ये तीन बड़े सितारे टीवी इंडस्ट्री के एक साथ एक शो के अंदर देखने को मिलेंगे। द लीगल केस सोनी पे बहुत ही जल्द ही आप सभी को देखने को मिलेगा। हाल ही में उन्होंने अभी इस चीज़ के लिए कंफर्मेशन दिया है कि बहुत ही जल्द ऐसा हो सकता है कि उनको मेकर्स के साइड से अपॉर्चुनिटी मिली है ये शो में रोल प्ले करने का। तो रीम शेख, करण वाही और जेनिफर विंगजेट तीनों के तीनों ही द लीगल केस सोनी टीवी पे आने वाला है, उसके लिए इन तीनों की प्रोफाइल्स को लॉक कर लिया गया है। आप कितने एक्साइटेड हैं इन तीनों को एक साथ देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स और स्टोरीज को देखते और सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मी स्टारलेट एंटरटेनमेंट को।